तो आज बात करेंगे हाउ टू गेन वेट। जाहिर सी बात है, जो लोग इस चैनल के फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, उनको पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर बातें, ज़्यादातर नहीं, 99.9% बातें सिर्फ और सिर्फ उसकी होती है कि आप अपना वज़न कैसे घटा सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को वो छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा, जिससे कि आप अपना वज़न जो है वो गेन कर सकते हैं। बट बिफोर डैट, नहीं 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 सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिफोर डैट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वाकई आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है। और वेट गेन करना मतलब होता क्या है दोस्तों? वेट गेन करना मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप मोटे हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे ले लो दोस्तों, अगर मुझे वेट गेन करना है तो मैं कुछ ऐसा लगूंगा जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट आपको कैसे पता करना है कि आपको क्या ज़रूरी है वेट गेन करना, या फिर शायद आप यूं ही बस लोगों की बातें सुन रहे हो कि यार दुबले लग रहे हो, पतले लग रहे हो, कुछ वेट गेन करो एसेट्रा से। तो उसके लिए हमारे पास होता है BMI स्केल, जहाँ पे आप स्कोर जान के ये पता कर सकते हैं कि आपको वेट गेन करना है या नहीं करना है। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ BMI स्केल होता क्या। अगर आपका स्कोर 19 से कम आता है तो डेफिनेटली यू नीड टू गेन सम वेट। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये BMI स्कोर होता क्या? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी आपका वेट है उसको kg के यूनिट में रख के उसको डिवाइड कर देना आपको अपनी हाइट से, और हाइट की यूनिट क्या होगी? तो वो मीटर स्क्वायर यूनिट होगी। और मतलब कि आपको अपनी हाइट को मीटर में लेना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना। तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा अगर, तो वो आपका BMI स्कोर होगा। और अगर ये 19 से कम आएगा तो डेफिनेटली आपको वेट गेन करने की ज़रूरत तो बिल्कुल है। और अगर आप मेल हैं और 20 से कम आता तो भी मैं यही प्रेफर करूँगा कि 21, 22, 23 इतना अराउंड आपको BMI रखना चाहिए फॉर एन हेल्दी इंडिविजुअल मेल। अब हम आते हैं हमारे टिप्स की तरफ, और टिप नंबर 1 है बी इन कैलोरी सरप्लस। जी हाँ दोस्तों, जब वेट लूज करना था तो हमें कैलोरी डेफिसिट पे जाना था, मतलब कि जितनी हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जितना हम खाना खाते हैं और जितना हम उसका एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, तो हमें इतना करना था कि हम एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज करें और कैलोरी इनटेक कम करें, जिससे कि हमारी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए मजबूर हो जाए। वेट गेन करना मतलब कि आपको जस्ट अपोजिट करना है दोस्तों, आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है, मतलब कि आप जितना खाना खा रहे, जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और जितनी आपकी डेली एक्टिविटीज़ में कैलोरीज जा रही हैं, या फिर एक्सरसाइजेस में, जिम्स में जितनी कैलोरीज जा रही हैं वो नहीं जानी चाहिए, उसमें आपकी कुछ कैलोरीज बचनी चाहिए। क्योंकि हमारे मसल्स को और इवन हमारे एडिपोज टिश्यू यानी फैट को भी होने के लिए एनाबोलिक प्रोसेस चाहिए होता है, मतलब कि ये तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास कुछ एनर्जी जो है अमाउंट में बचेगी। तो सबसे पहला है कि आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। नाउ टिप नंबर 2, रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दोस्तों अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको मसल्स भी बनाना होगा, आपको एनाबोलिक इफेक्ट्स कराना होगा अपनी बॉडी पे, और इसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना होगा। देसी भाषा में बोले तो आपको जिम जाना होगा और वेट लिफ्ट करना होगा, उठाने होंगे डंबल, उठाने होंगे बारबेल्स, उठाने होंगे, और ये सारा काम करना होगा। आपको करना होगा कार्डियो से परहेज। अगर आप जिम में जाएं तो आप पहले वार्म अप के लिए 2 मिनट कार्डियो जरूर करें, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हो जाएगा, तेज हो जाएगा, और जिससे कि आपको जो रिजल्ट्स है वो अच्छे मिलेंगे। बट कार्डियो कभी रेगुलरली ना करें, इससे आपको नुकसान ही होगा, जो भी आपकी बची कुछ फैट्स है वो यूटिलाइज होने लगेंगे और फिर मसल को जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिससे कि वो मसल्स ज़्यादा हद तक बनेगा। इसलिए आपको जो है मसल्स बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी अगर आप कार्डियो ज़्यादा रखेंगे। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना और खूब लिफ्ट करना आपको जिम जाने के बाद। कमिंग टू टिप नंबर 3, हैव अ प्रॉपर स्लीप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया है कि आपको वेट गेन करना है और आप जिम में खूब मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रोटीन ले रहे हैं और बढ़िया खाना खा रहे, कार्बोहाइड्रेट्स भी जम के खा रहे हैं, और उसके बाद अगर आप स्लीप नहीं लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी को जो है वो आराम नहीं मिलेगा और आपकी बॉडी जो है एनाबोलिक प्रोसेस में नहीं जा पाएगी, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है बॉडी के जो मसल्स हैं उनको बिल्ड नहीं कर पाएगी। बहुत सारे रिसर्चेस में देखा गया है कि आप अगर जिम करते हैं और उसके साथ प्रॉपर नैप लेते हैं, अच्छे से स्लीप लेते हैं 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो बहुत चांसेस होता है कि आपका जो है वेट जो है वो बड़े आराम से गेन होगा और बिल्कुल हेल्दी वेट गेन होगा। तो प्लीज़ यार, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो आप अपने स्लीप से कंप्रोमाइज़ मत करना। आराम से सोना, रात में बहुत अच्छी नींद लेना, और फिर उसके बाद सुबह उठना, अच्छे खाना खाना, और उसके बाद जिम जाना। नाउ टिप नंबर 4, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मैं मजाक ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आप चैनल पे मेरे जाएं और अगर आपको कंटेंट पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाएं और ऐसे ही सपोर्ट करें। मैं यहाँ हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ भी बनाता हूँ और अच्छे अच्छे टिप्स देता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, और सब कुछ मैं रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड ही देता हूँ। वी कम टू लास्ट पॉइंट, टिप नंबर 5, और वो है स्टे अवे फ्रॉम फैट डाइट।
जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो कहते हैं कि ये कर लो, ये डाइट अपना लो तो तुम मोटे गए हो जाओगे, मतलब कि तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा, मास गेन हो, पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स छाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये सब बिल्कुल ना करें। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि लोग कहते हैं अगर तुम्हें मोटा होना तो जाओ खूब जाके जम के तुम फास्ट फूड खाओ, बर्गर्स खाओ, पिज्ज़ा खाओ, चाउमीन खाओ और इन्जॉय करो, तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका वेट गेन ज़रूर हो जाए लेकिन वो स्किनी फैट और विसरल फैट गेन होगा जिससे कि आप बिल्कुल अनहेल्दी बनेंगे। और हो सकता है क्या, बिल्कुल ज़रूरी बात है कि अगर आप जो अभी पतले हैं ना वो ज़्यादा बेटर लाइफ है, आपकी ज़्यादा हेल्दी लाइफ है विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप उस तरीके से वेट गेन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।